दोस्तों, कई बार हम ये सोचते रहते हैं कि क्यों कुछ लोग ज्यादा पैसे होने के बावजूद एक मिडिल क्लास लाइफ जीते हैं और कैसे कुछ लोग कम इनकम होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन जाते हैं। आप चाहे माने या ना माने, इस वक्त आप पैसे को लेकर जो भी डिसीजन ले रहे होंगे वह कुछ सालों बाद आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक बेहतरीन मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक की समरी लेकर। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसे मॉर्गन हसल ने लिखा है। इस किताब में आप ये पाएंगे कि यदि आप कुछ स्टेप्स को अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आपको एट द एंड अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस किताब के सभी चैप्टर्स की खूबसूरती यह है कि इन्हें कोई भी व्यक्ति फॉलो कर सकता है। ये लेसन्स सिर्फ ज्यादा इनकम वाले लोगों के लिए नहीं है या फिर ऐसे लोगों के लिए जिनकी बहुत बड़ी हायर एजुकेशन है। इस किताब की सरलता यह है कि इसे कोई भी आम आदमी फॉलो कर सकता है और पैसों के साथ रिलेशनशिप और एटीट्यूड सुधारने का काम कर सकता है। उम्मीद करता हूँ ये किताब आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। बुक के ऑथर मॉर्गन एक होटल में काम करते थे जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव बार बार आता जाता था। वह एक जीनियस इंसान था जिसने यंग एज में बहुत सी कंपनीज बनाई और कुछ समय बाद उन्हें उसे बेच भी दी। उसके पास बहुत पैसे थे लेकिन उसका अपने पैसों के साथ रिलेशनशिप बहुत ही बेहुदा था। वह हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियां लेकर घूमता था, फिर बिना शराब पिए और शराब पीकर अपने अमीर होने का शो ऑफ करता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी जब उसने अपने दोस्त को बहुत से पैसों की गड्डियां देकर कहा, जाओ इन्हें गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करवा लाओ। फिर वह अपने दोस्तों के साथ समंदर के पास गया जिसमें उसने एक गेम खेला जिसमें जो गोल्ड कॉइन को समंदर में ज्यादा दूर तक फेंकेगा वही जीतेगा। पैसों के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार सिर्फ मस्ती के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि उसका यह बिहेवियर कितने समय तक चला होगा। ज्यादा लंबा नहीं। ऑथर बताते हैं कि उन्हें कुछ सालों बाद पता चला कि वह आदमी कंगाल हो गया। इस कहानी के साथ मॉर्गन एक और इंसान की कहानी बताते हैं जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वह एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी था। यह साधारण आदमी जब 92 साल की उम्र में मरा तो देश विदेश के अखबारों में उसकी चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि मरने के समय उसकी नेट वर्थ 58 करोड़ रुपए थी जिसमें से उसने 15 करोड़ रुपए अपने सौतेले बच्चों को और वही 43 करोड़ रुपए चैरिटी में दे दिए। अब एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाले सफाई कर्मचारी के पास इतने पैसे कहां से आए? जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी। वह तो एक साधारण जीवन जीता था। जितने पैसे बचा सकता था उसे ब्लूचिप कंपनी के स्टॉक में लगाकर भूल जाता था। फिर कई दशकों बाद कंपाउंडिंग के पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा नेट वर्थ बना दिया कि कोई विश्वास नहीं कर सकता। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना और फिर उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं इसकी जरूरत है। पैसा कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है। कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद बैंक्रप्ट हो जाता है। दूसरा, एक सफाई कर्मचारी ज्यादा पढ़ा लिखा न होने के बावजूद करोड़पति बन जाता है। मॉर्गन आगे और एग्जाम्पल देते हैं। लॉटरी टिकट का एक सर्वे बताता है कि अमेरिकन जनता मूवीज, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, स्पोर्टिंग इवेंट्स और बुक्स के कॉम्बाइन अमाउंट से ज्यादा लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च करते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लॉटरी टिकट कौन खरीदता है? न अमीर न मिडिल क्लास, बस गरीब लोग। वह गरीब लोग जो इतने गरीब हैं जिन्हें अगर इमरजेंसी हो जाए तो 30 से 35 हजार अरेंज नहीं कर सकते।
ऐसे गरीब लोग वहां पर सालाना 30 से 35 हजार रुपए की लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। वह पैसा जो इमरजेंसी के समय उनके काम आ सकता है, उससे वह लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। क्या यह फाइनेंशियल डिसीजन आपको सही लगता है? आप शायद कहेंगे नहीं, यह क्रेजीनेस है। लेकिन जो आपको और हमको क्रेजी लगता है, वह गरीब आदमी के लिए रैशनल और वाइज डिसीजन है। कैसे? उसके लिए ऑथर गरीब आदमी की सोच के बारे में बताते हैं। गरीब आदमी जो लॉटरी खरीदता है, वह कहता है, हम लोग जो महीने में कमाते हैं, उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। सेविंग्स की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। बहुत ज्यादा सैलरी, वेकेशंस, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ये सब हमसे बहुत दूर हैं। उतना ही कि हम अपने बच्चों को बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। यह सब हमारे लिए सपना है। इन सपनों को जो मिडिल क्लास और अमीर जी रहे होते हैं, ऐसे सपने को साकार होने के चांसेस हमें सिर्फ लॉटरी टिकट खरीद कर और लॉटरी लगने पर ही लगते हैं। लॉटरी टिकट खरीदते हुए हमें लगता है कि हम सपनों को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं। आपको यह क्रेजी लगेगा, क्योंकि जो हमारे लिए सपना है, वह बहुत से लोगों को आसानी से मिला हुआ है। आप में से तो बहुत से लोग उसकी वैल्यू भी नहीं करते। इस कहानी और एग्जाम्पल के माध्यम से ऑथर बताते हैं, गरीब हो, मिडिल क्लास या रिच, ज्यादातर मनी रिलेटेड डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन एक्सेल की शीट पर वर्किंग करके नहीं, इंसान के अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस और इमोशन से प्रभावित होकर लेता है। जो मैं डिसीजन लूंगा, वह आपको क्रेजी लग सकता है। जो आप डिसीजन ले, वह मुझे क्रेजी लग सकता है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने इमोशंस, सर्कमस्टेंसेस और कैलकुलेशन को साथ में रखते हुए पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। एक और कहानी का एग्जाम्पल देते हुए ऑथर बताते हैं कि बिल गेट्स साल 1968 में जब एक स्कूल में पढ़ते थे, तो उसी समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ सिमिलर स्टूडेंट्स थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन पूरी दुनिया में द लेकसाइड स्कूल कुछ ऐसे स्कूलों में से एक था जिसमें उस समय कंप्यूटर था। स्कूल के पास इतना पैसा और दूरदर्शिता थी कि उन्होंने अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदा। बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलेन लाखों करोड़ों बच्चों में से एक थे, वह लकी स्टूडेंट जिन्हें उस समय कंप्यूटर का एक्सेस मिला। बिल गेट्स ने यह बात ऑन रिकॉर्ड भी कही है, अगर उनका स्कूल लेकसाइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। इस तरह और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे बिल गेट्स के सक्सेस होने के, लेकिन लक उनमें से एक था। बिल गेट्स के एक और दोस्त के इवंस की बात करते हैं। के इवंस बिल गेट्स और पॉल एलन के बेहतरीन दोस्त थे। उनके सभी कंप्यूटर एडवेंचर के पार्टनर थे। बिल गेट्स का कहना है, अगर के इवंस ने स्कूल खत्म किया होता तो वह निश्चित माइक्रोसॉफ्ट में फाउंडिंग पार्टनर होते। लेकिन के इवंस ने स्कूल खत्म ही नहीं किया, के इवंस स्कूल में ही एक माउंटेन एक्सीडेंट के दौरान मारे गए। उन्होंने वो रिस्क फेस किया जो लाखों में से एक को फेस करना पड़ता है। माउंटेनियरिंग में लाखों लोग जाते हैं, लेकिन मरता लाखों में से एक ही है। ऑथर लक और रिस्क का कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से सिखाते हैं। बिल गेट्स और क्विंट इवंस बिल्कुल एक जैसी कैपेबिलिटीज रखते थे। जहां बिल गेट्स लाखों लोगों में से एक बने जिन्होंने हद से ज्यादा सफलता प्राप्त की, जिसे लक भी कहा जा सकता है, वहीं क्विंट इवंस लाखों लोगों में से वह एक इंसान बने जिन्हें लक का बिल्कुल अपोजिट रिस्क को फेस करना पड़ा। जहां शुरुआत एक साथ हुई थी, वहीं लक और रिस्क के कारण डायरेक्शन और फाइनल आउटकम्स बिल्कुल अपोजिट हो गए। यहां कहानी का मतलब यह नहीं है कि बिल गेट्स की अपार सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत थी। किस्मत के अलावा और भी बहुत फैक्टर्स है।
लेकिन यह कहना उचित होगा कि आपके एफर्ट्स के अलावा भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आउटकम क्या होगा, लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। आपको सिर्फ इस बात पर विश्वास रखना है कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत सफल हो जाओ तो यह मत मान बैठो आपने जो डिसीजन लिए वह सब सही रहे, तभी आप सफल हुए, आगे भी वैसा ही होगा। अगर आप फाइनेंशियल फेलियर का सामना करो तो यह मत मान लो जो आपने डिसीजन लिए सब गलत थे इसलिए आप असफल हुए। इसके साथ भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी रिजल्ट्स के पीछे। इनफ को समझने के लिए मनी से रिलेटेड तीसरी सॉफ्ट स्किल को बताने के लिए ऑथर रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ, जो एक अनाथ थे। ऐसे सरकमस्टेंसेस में रहने के बावजूद 40 साल की उम्र में रजत गुप्ता दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म मैकिन्सी के सीईओ बने। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल रोल में भी वह रहे। साल 2008 में उनकी नेट वर्थ करीब 100 मिलियन डॉलर थी। उतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि अगर इतने पैसों को बैंक में रखकर उसकी इंटरेस्ट इनकम भी आए तो 50,000 रुपए प्रति घंटे बिना कुछ किए कमाए जा सकते हैं, वो भी 24 घंटे हर रोज। लेकिन यह भी उनके लिए काफी नहीं था। वह करोड़पति से बहुत ही डेस्परेटली अरबपति बनना चाहते थे। उस समय वो गोल्डमन सैक्स, जो दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए। अपने अरबपति बनने के डेस्परेशन में, इतनी वेल्थ होने के बावजूद भी उन्होंने सेटिस्फैक्शन न होने के कारण ऐसा काम किया जिसने उनकी इतने सालों की रेप्यूटेशन को मिट्टी में मिला दिया। उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह के लिए दोषी पाया गया। दोषी करार होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसका मतलब था ऐसी इंफॉर्मेशन जो उन्हें बोर्ड मीटिंग में मिलती थी, जो कॉन्फिडेंशियल होती थी, उसे उन्होंने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए बेचा। उधर रजत गुप्ता के एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ यह प्रॉब्लम होती है। एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद वह दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं, लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति, कुछ भी उनके लिए इनफ नहीं होता। यह इनफ शब्द बहुत मायने रखता है। यह बताता है कि इंसान को फाइनेंशियली एक गोल पोस्ट बनाना चाहिए, ऐसा गोल पोस्ट जिसमें आपकी सभी नीड्स और रीजनेबल वांट्स पूरी हो सके। इसके बाद सब लालच है जो आपका पीस ऑफ माइंड खराब कर सकता है। तो सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्किल है कि आप इनफ की डेफिनेशन जरूर बनाएं, उसके बाद रुक जाएं। पैसे से ज्यादा अपने परिवार और अपनी सुख शांति को ज्यादा महत्व दें। सोशियल कंपैरिजन यह स्किल अटेन करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके पास BMW है, मेरे पास भी होनी चाहिए, ऐसी सोच को छोड़ना बहुत ही जरूरी है। इस इम्पोर्टेंट स्किल को सीखने के लिए अपने लिए इनफ की डेफिनेशन बनाना बहुत जरूरी, उस फाइनेंशियल स्टेट्स को अचीव करने के डायरेक्शन में काम करना और फिर इनफ की स्टेट पे आके रुक जाना बहुत इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्किल है। उम्मीद करता हूँ इस किताब के यह 3 लेसन आपकी बहुत मदद करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।